और ये हमारी गर्मा गर्म पूरी। आज तो मजा ही आ जाने वाले कि रायता भी लिया है। तो भैया कितने बजे? अमराम से सभी को खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों आपको खिलाते हैं अलवर में एक ऐसी जगह जो कि स्ट्रीट फूड में सब चीजें मिलती हैं। स्पेशली मैं आज ट्राई करने आया हूँ इनकी पूरी सब्जी। तो सबसे पहले बताता हूँ लोकेशन कहाँ है। यह है कान्हा चाट भंडार और इस पे सब चीजें मिलती हैं। लोकेशन कहाँ है ये जो रोड है ये है काली मोरी पुलिया के जस्ट नीचे और इंजीनियरिंग क्लासेस है सामने। तो भैया जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर? 2017 में चालू की थी भैया। क्या क्या मिलता है अभी आपके? अपने पास छोले भटूरे हैं, सब्जी पूरी है, कचौरी है, समोसे हैं, पराठे भी हैं, संडे हैं, पराठे संडे को अवेलेबल नहीं है। तो ये जो नाम रखा है आपने काना, ये किसके नाम पे रखा है? भतीजे का नाम है। यानी इन भैया? हाँ भैया। क्या हो गया? बड़े भैया के बेटे का नाम? हाँ। ये बड़े भैया, आपका नाम भैया? सुनील सैनी। और इनका नाम? अनिल सैनी। शुरुआत सब चीजों से की थी या कुछ एक चीज दो चीज ही रखी थी? सबसे पहले कड़ी कचौरी से। सबसे ज्यादा क्या बिकता है आपके यहाँ? सारी चीज कॉमन है। आप पूरी बनाते हो? ये पूरी का आटा है मैं देख रहा हूँ जो, ये पूरी का। तो इसमें भैया कुछ मिलाते हो आप? नहीं, केवल पानी है, गर्म पानी। कैसे दिए आपने पूरी? ये 30 रुपए की 8। और ये हमारी सब्जी है? ये सब्जी है छोले। तो ये छोले की सब्जी के साथ देते हो आप? हाँ जी, छोले की सब्जी के साथ। तो 30 रुपए में अगर सब्जी थोड़ी कम पड़ जाए तो दे देते हो? लो ना, 4 बार लो भैया। चलो तो आप पूरी बना के दिखाओ, हम आपके हाथ की पूरी खा के देखेंगे आज। तो भैया ये काम कहाँ सीखा आपने? कुछ नहीं भैया, ये अपनी दुकान है आगे। अच्छा, तो वहीं से सीखा था। वहाँ कौन कौन लगाता है दुकान? चाचा। अच्छा, तो वहाँ भी ये सब चीजें मिलती हैं? नहीं, वहाँ केवल हलवाई की दुकान है। अच्छा अच्छा, तो इस तरीके से आप गर्मा गर्म पूरी सेकते हो तुरंत? हाँ जी। तो आप जोमेटो स्विगी पर हो क्या? नहीं भैया। तो भैया अभी काम धंधा कैसा चल रहा है आप ये बताएं? बढ़िया बढ़िया भैया, एक नंबर। और अपन ये जो तेल है कौन सा यूज कर रहे हैं? रिफाइंड भैया, स्कूटर। स्कूटर? हाँ जी। ओके, तो ये हमारी पूरी तैयार हो रही है भाई और काफी लोग यहाँ पे इनकी पूरी सब्जी का आनंद ले रहे हैं। कचौरी बनती रहेगी गरम गरम, अभी 10 मिनट बाद फिर कचौरी बनेगी। अच्छा, सारी चीज गरम रखते हो आप? अभी कचौरी खत्म हो गई फिर गरम निकलेगी। कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए हलवाई वगैरह का? ये 15 साल लगभग हो गया भैया। तो लगभग कितनी कचौड़ी निकल जाती होंगी दिन भर में? 300-400 कचौड़ी भैया। और अपनी पूरी सब्जी का आटा कितना निकल जाता है? 15-20 किलो आटा समथिंग। बूंदी रायता भी है वो अलग से दिया उसी में। 10 रुपए गिलास। बना बना, ये हमारी पूरी बनके जो है तैयार हो गई है और फटाफट देखो विद इन अ सेकंड आपको फ्रेश माल एकदम ताजा ताजा। चलो खा के देखते हैं आज भैया की पूरी। तो ये भैया क्या लेके? अब अचार और क्या मिलता है? अचार है, हरी मिर्च लम्बे उधर मिलो। हरी मिर्च भी मिलती है इनके साथ में। यहाँ भैया एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी ये छोले की सब्जी आ गई। छोले की सब्जी है जिसमें प्याज गिरा है। प्याज है, धनिया है, सब कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये हमारी गर्मा गर्म पूरी। क्या बात है भैया, आज तो मजा ही आ जाने वाले है। और भैया ने बूंदी रायता भी लिया है। तो भैया कितने बजे आ जाते हो आप? सुबह 5:30 भैया। और कितने बजे तक रहते हैं? 3 बजे तक भैया। आप आज के आनंद की जय बोलते हैं। बिल्कुल, आप स्टार्ट कर देते हैं। चलो ठीक है भैया। तो भाई के साथ आज हम आनंद ले रहे हैं। बाबा की कुछ अच्छे गरम किए होंगे जो इतनी अच्छी पूरी सब्जी मिल रही है अलवर के अंदर, तो छोले की सब्जी के साथ। क्या बात है बाबूजी, गजब। भैया बढ़िया, शानदार। भैया सब्जी खत्म हो गई, थोड़ी सब्जी डाल दीजिए। धन्यवाद। और ये प्याज का, हाँ तो सब कुछ खा लिया, बस ये रायता बचा है तो इसको भी आना ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा सा मामला स्पाइसी है, अगर आपको स्पाइसी पसंद है ना तो बहुत अच्छा लगेगा। वैसे जानदार है, जानदार। तो जो ये रायता है ना ये आपकी स्पाइसीपनेस ख़त्म कर देता है, इसका भी स्वाद अलग है। और सबसे बड़ी चीज़ कि 30 रुपये में आपका पेट भर जाएगा, अगर रायता पीते तो वो 10 रुपये का गिलास अलग है। तो वीडियो को यही एंड करता हूँ। राम राम से सभी को, खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ओके भैया, हरी मिर्च और दो। लोग काफ़ी अच्छे से खा रहे हैं।